हेलो टू एवरीवन इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मैच पॉइंट। जी हां, आप देख रहे हैं ई आवाज और आपके साथ फिर हाजिर खिदमत हैं डॉक्टर अदनान और लेके आ गया हूं आपके लिए एक ताज़ा तरीन फ्रेश एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स जिसमें क्रिकेट की खबरों की भरमार करेंगे आज दोबारा हम और देखेंगे कि क्या क्रिकेट की खबरों में हम जीतेंगे कि टाइम जीतेगा, क्योंकि खबरें हैं बहुत और टाइम है कम। लास्ट टाइम आपसे जिक्र हुआ था T20 सीरीज का, T20 सीरीज का कामयाब इख्तिताम हो चुका है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन, ODI सीरीज़ का फैसला भी हो चुका है और आज जो हमारा फोकस रहेगा वो क्रिकेट से जुड़ी कुछ दूसरी खबरें और साथ में पाकिस्तान की ODI सीरीज वर्सेस वेस्ट इंडीज़, क्योंकि फैसला हो चुका है ODI सीरीज़ का। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूँ और रिमाइंड कराता चलूँ कि जो T20 सीरीज खेली गई दोनों टीमों के माबैन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, उसमें ये पहली दफ़ा ऐसा मौका हुआ कि पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया और अपोजिशन को उसके घर में तीनों मैच हराए। इससे पहले पाकिस्तान किसी भी अपोजिशन को उसके घर के अंदर सीरीज के तमाम मैच जो हैं वो नहीं हरा सका। लेकिन यही सब कुछ डिस्कशन करने के लिए जब मैं करूंगा तो मैं अकेला नहीं हूंगा, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर दिलनशीन। जी डॉक्टर दिलनशीन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या खबरें लेके आई हैं? क्योंकि क्रिकेट की खबरें हैं आपके पास या नहीं? खबरें बड़ी लेके आए हैं और खबरें इतनी लेके आए हैं कि आपको फिर से हम ताजा दम कर देंगे कि खबर जो है वो कहाँ से चलाई जाए और कहाँ ख़त्म की जाए। लेकिन दिलनशीन आपको बताएंगी, लेटेस्ट रैंकिंग में एक नया इजाफा आया है कि पाकिस्तान के कौन से बैट्समैन जो हैं वो नंबर 2 पे पहुंच गए हैं। जी बिल्कुल, नंबर 2 पे बताना थोड़ा सा ये था कि मुश्किल था, लेकिन ये कि जब रैंकिंग की बात होती है तो रैंकिंग में तो जो नंबर 2 पे आया 1 पे आया वो तो साफ साफ सबको दिखाई देता है। मोहम्मद हफीज़ 2nd नंबर पे रैंकिंग पे आ गए हैं एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग कि मोहम्मद हफीज़ ने एक मतलब उनकी अचीवमेंट है ये कि वो नंबर 2 पे आए। बिल्कुल जी, कुछ और भी प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के टॉप 10 के अंदर आ रहे हैं। प्रोग्राम जो जो आगे बढ़ेगा तो आपको उनके बारे में बताएंगे। सेकंड खबर जो है हमारी जो है सागा जो शुरू हुआ पाकिस्तान सुपर लीग से, जिसमें काफ़ी एक्यूजेशंस हुई अगेंस्ट द प्लेयर्स, उसके बारे में है। खालिद लतीफ़ क्या कहते हैं? जी खालिद लतीफ़ ने कहा कि वी कैन से बट वी बट ही वांट्स बट खालिद लतीफ़ जो हैं, अगर दिलनशीन को मुश्किल हो रही है, मेरा ख्याल है इतनी मुश्किल तो खालिद लतीफ़ को नहीं हुई होगी PCB के बारे में बात कर PCB से बात करने में जितनी मुश्किल दिलनशीन को हो गई। उन्होंने कहा है कि मैं बेकसूर हूँ और मैंने कोई कसूर नहीं किया। शायद उन्होंने अभी नई नई इंडियन मूवी बेकसूर देखी हो, उसके बिना पे उन्होंने बोला हो, लेकिन वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा और ट्रिब्यूनल जो है वो फैसला करेगा कि वो बेकसूर है कि नहीं है और किसका कसूर था। बहरहाल खालिद लतीफ़ ने प्ली ली है और कहा है कि वो इस केस के अगेंस्ट जाएंगे और साबित करेंगे कि ये गलत है, जबकि PCB अभी भी इस बात पर मुसर है और उन्होंने कहा है कि हमें वाजिया और ठोस सबूत और ठोस शवाहिद मिले हैं जिनकी बिना पे ये प्रूव हो गया है कि वो आवाज़ भी इन्हीं की थी और तस्वीर भी इन्हीं की थी एंड ही हैज़ बीन एलिजिडली इन्वॉल्व इन द मैच फिक्सिंग। लेकिन खालिद लतीफ बदस्तूर जो है इससे मुनहरफ है। जी दिलनशीन। हाँ जी, मैं अब क्या बताऊँ, आप पूरी खबर बता दें। जी अगर दिलनशीन नहीं बताएंगी तो ऑब्वियसली फिर मुझे बतानी होगी, क्योंकि ये है मैच पॉइंट बाय डॉक्टर अदनान। मैच पॉइंट की अगली बड़ी खबर इसी सागा से जुड़ी है और वो है नासिर जमशेद, जिनके ऊपर 2.3.1 और 2.3.4 आर्टिकल के अंडर जो है वो शिक लगाई गई है। उनके जो प्रूफ हुए हैं उनके मुकदमात, और PCB के चेयरमैन जो हैं उनका कहना ये है कि नासिर जमशेद से रब्ता किया गया है और इंग्लैंड में जब उनसे रब्ता किया गया तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, उनके घर पर रब्ता किया तो वो घर भी चेंज कर लिया गया और घरों के एड्रेस चेंज कर रहे हैं और बराबर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तंग कर रहे हैं और उनसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक टीम भेजी, एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया, 3 रुकनी टीम गई और उस 3 रुकनी टीम से भी नासिर जमशेद ने मिलने से इनकार कर दिया और वो उनसे मिलने से इनकारी हैं। जब नासिर जमशेद से रब्ता किया गया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो रब्ता नहीं किया, लेकिन इंग्लिश न्यूज़पेपर में यह खबर आई कि नासिर जमशेद का कहना यह है कि पहले उनको NCA जो है ट्रायल चल रहा है ऑलरेडी UK में, पहले वो क्लियर करेगा
तो उसके बाद वो पेश होंगे पीसीबी के आगे। उन्होंने कहा कि जब तक वो अपनी इंक्वायरी पूरी नहीं कर लेता तब तक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने जो है वो नहीं आएंगे। जी बिल्कुल, एक और ख़बर देते चलें। पीसीबी ने यूनिस खान के बारे में बात की है कि यूनिस खान को कैप्टेंसी देनी चाहिए टेस्ट मैच की या नहीं देनी चाहिए, तो पीसीबी चेयरमैन क्या कहते हैं इसके बारे में? पीसीबी चेयरमैन ने यह कहा, जी मैं नाज़रीन को बताता चलूं कि यूनिस खान को अगर हमने मौका दे दिया कैप्टेंसी का, आल्दो कि यूनिस खान ने कैप्टेंसी डिमांड नहीं की, लेकिन वो कहते हैं कि अगर इनको दिया तो फिर हमें सबको ये मौका देना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक सो कि यूनिस खान ने किसी किस्म का, मेरी नज़र में तो नहीं गुजरा कम अज़ कम दिलनशीं, कि यूनिस खान ने यह कहा हो कि कैप्टेंसी जो है वो डिमांड कर रहे हैं, कि आई थिंक उनको ऑनरेबली जो भी है उनको एक गुड बाई मैच जो है उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया है कि ये सीरीज उनकी आखिरी सीरीज होगी, तो उन्होंने किसी किस्म का कैप्टेंसी की डिमांड नहीं की। जब उन्होंने डिमांड नहीं की तो फिर कौन उन्हें? आई डोंट नो कि व्हाट आर द लॉजिक्स, क्योंकि पहले शायद अफरीदी के लॉजिक के ऊपर भी पीसीबी के चेयरमैन ने यही बात की थी कि शाहिद खान अफरीदी को हम देखेंगे कि गुड बाय मैच देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, और मेरे ख्याल में उनको भी गुड बाय मैच देना चाहिए था। लेकिन अब यूनुस खान के यूनुस... एक बात ये सामने आई है ना कि अगर शाहिद खान आफरीदी को उन्होंने फेयरवेल मैच दिया तो फिर एक रीत बन जाएगी, फिर सब बेसिकली तो फिर सब आई डोंट थिंक सो के इट्स द बैड जेस्चर के अभी शाहिद खान आफरीदी उस फॉर्म में थे। मैं गुड और बैड की बात नहीं कर रही हूँ, जब एक प्लेयर के लिए आपने फेयरवेल मैच दे दिया तो फिर तो सारे प्लेयर्स के लिए देना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं समझता हूँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, सारे प्लेयर्स जो भी हैं तब तक कि ऐसा ना हो ना कि एक प्लेयर जो है खेला ही नहीं है और उसके बाद 8 साल 4 साल हो गए हैं और उसके बाद वो गुड बाई मैच मांग रहा है। आई मीन जो एक बंदा रिदम में है और आपकी टीम के अंदर है और एक सीरीज चल रही है तो आपने अगली सीरीज में ड्रॉप भी किया है या 2 सीरीज में ड्रॉप कर दी है, लेकिन आपको मालूम हो गया कि ये अब आपके काम का नहीं है, ही मस्ट रिटायर, तो आप फिर कोई भी ऐसी टीम देख के जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच हो रहा है, किसी और टीम के खिलाफ मैच हो रहा है, यू कैन डिसाइड एंड यू कैन गिव हिम अ फेयरवेल मैच। लेकिन इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि शाहिद खान आफरीदी के लिए डिसाइड किया था। लेकिन एनी हो, यूनुस खान और मिसबाह उल हक के बारे में आगे चल के अभी हेडलाइन से बात होगी, बहुत सी खबरें आपको देने को है। दोनों का फेयरवेल मैच जो है अरेंज हो चुका है, फेयरवेल मैच के अरेंज हो चुका है। ऑनेस्टली अगर मैं ये कहूँ कि वो फेयरवेल मैच से पहले ही दोनों खिलाड़ियों ने अपना आखिरी मैच अनाउंस कर दिया था, क्योंकि ऑलरेडी पीसीबी ये सिलेक्टेड देम, तो इसमें पीसीबी का कोई कमाल नहीं है कि वो फेयरवेल मैच है, बल्कि उनका आखिरी मैच जो है वो बदल जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इन टू अ फेयरवेल मैच, ये ज़्यादा कहना मौजू होगा। अगली खबर जो है क्रिकेट से जुड़ी जो है वो किसी और के बारे में नहीं, बल्कि पाकिस्तान टीम के फास्ट बॉलर मुल्तान शहर ओलिया के शहर से ताल्लुक रखने वाले राहत अली के बारे में है। राहत अली क्या कहते हैं ये दिलनशीन बताएंगे। जी आप खुद बताएं, आपको आप खबर लेकर आए हैं ये भी नहीं बताएंगी, ये खबर भी मुझे ही देनी होगी, तो मैं दे देता हूं ये खबर आपको। राहत अली जो है अब बजेगा बैंड, क्योंकि हो गया है घमसान का रन, क्योंकि हो गया है थोड़ा सा इख्तलाफ किसमें, हेड कोच में और चीफ सेलेक्टर में। हेड कोच मिकी आर्थर जो है वो ख्वाहिशमंद है कि राहत अली को टीम में मौका दिया जाए, लेकिन टीम चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक जो हैं मालूम नहीं है, उनका ताल्लुक भी शहरे ओलिया मुल्तान से है, लेकिन वो थोड़े से कुछ इतने पुरमीद नहीं है राहत अली के बारे में और राहत अली को नहीं खिलाना चाहते। लेकिन अब राहत अली को कॉल कर लिया गया है क्योंकि मिकी आर्थर चाहते हैं कि राहत अली जो है वो उस टीम का हिस्सा हो जो टेस्ट खेलेगी अब अपकमिंग टेस्ट एट द एंड ऑफ द अप्रैल अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ये मैं टीम पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। राहत अली 20 टेस्ट 58 विकेट्स 3.21 इकॉनमी, यानी कि ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि इनकी जितना मर्जी आप इख्तलाफ करें इनकी ओडीआई रेटिंग से या टी20 रेटिंग से, टेस्ट में ये आपको जस्टिफाई कर रहे थे। थोड़ा सा यहां पर मैं मिकी आर्थर से सहमत हूं कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राहत अली को उस 11 में जगह मिलनी चाहिए, लेकिन पीसीबी का कुछ पता नहीं चलता, चीफ सेलेक्टर का भी और पीसीबी के माहौल का, कि अचानक वहाब रियाज 20 ओवर से किस तरह टेस्ट में आ जाते हैं, टेस्ट से मार खाने के बाद अचानक उनको वन डे से ड्रॉप किया जाता है, जिस पे बराबर साबिक टेस्ट क्रिकेटर साबिक पाकिस्तान के कप्तान जो हैं वो इस पे कड़ी तनकीद कर चुके हैं, और दोबारा इस तनकीद का मौका मिल जाना था, लेकिन अब राहत अली को टीम पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है क्योंकि मिकी आर्थर जो है यही चाहते थे।
जी बिल्कुल, थोड़ी फवाद आलम की बात कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। जी फवाद आलम के बारे में बात करती हैं जी, कि फवाद आलम के बारे में बताना चाहूँगा कि क्लेथरे एक क्लब है जो कि लंका शायर का हिस्सा है। लंका शायर जहाँ से खेलते रहे थे वसीम अकरम एक ज़माने में, तो ये लंका शायर काउंटी क्लब के फ्लैग के अंडर क्लेथरे क्लब खेलता है और उन्होंने उनको साइन कर लिया है अपने अपकमिंग सीज़न के लिए। ये इनके लिए बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है और हो सकता है कि ये टीम पाकिस्तान में खासकर T20 मैचेस में इनका कम बैक भी साबित हो सकता है। हु नोस कि ही कम बैक इन द पाकिस्तान टीम विद द शाइनिंग कलर्स आफ्टर प्लेइंग विद द क्लेथरे क्लब। लेकिन देखना ये है कि अभी आने वाले इस समर में ये वहाँ पर कैसा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि अब वहाँ पर ये एज अ ओवरसीज प्रोफेशनल प्लेयर उस क्लब के साथ होंगे। बिल्कुल, थोड़ी ICC की बात करते हैं। आजकल जो है मौसम काफ़ी एंटी डूपिंग चल रहा है और डूपिंग के अगेंस्ट जो है काफ़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाई जा रही है, तो ICC ने अनाउंस किया अफगानिस्तान के विकेट कीपर को कि जो मुलव्वस थे एंटी डूपिंग टेस्ट में। बिल्कुल जी, मोहम्मद शहजाद की बात कर रही हैं दिलनशीन, जो ऑलरेडी शाइन कर रहे थे असगर के साथ साथ, बहुत ज़बरदस्त जो तीन ही लड़के उनसे परफॉर्म कर रहे हैं, असगर, नाबी और शहजाद। शहजाद जिनको आपने वर्ल्ड कप में देखा, वर्ल्ड T20 में देखा, जब इंजमामुल हक टीम अफगानिस्तान के कोच थे, बहुत ही एग्रेसिव विकेट कीपर बैट्समैन है, इनको हम देसी एडम गिलक्रिस्ट भी कहते हैं। तो बड़ा एक थोड़ा ओवरवेट है, शॉर्ट स्ट्रेचर है, ओवरवेट है, लेकिन ये बहुत बड़ा धचका है क्योंकि ICC एंटी डोपिंग जो शिक है उनकी, उसको वो पूरा नहीं कर सके। अब ये नहीं मालूम कि जो सब्सटेंस अब्यूज़ यूज़ किया गया है उसके ख़िलाफ़ उनको 1 साल की पाबंदी का सामना करना पड़ेगा, 2 साल की पाबंदी का, या उनको कितना टाइम दिया जाएगा, ये अब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ताहाल अभी जो करंटली मैच होंगे उसमें, जिसमें क्वालिफाइंग मैच भी खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, जिसमें वेस्ट इंडीज़ की टीम भी शामिल होगी, वहाँ पर अफगानिस्तान की टीम की तरफ से मोहम्मद शहजाद जो हैं वो नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। शायद मुझे लगता है कि दिलनशीं शहजाद नाम जो है वो गर्दिश में है, चाहे वो मोहम्मद शहजाद हो या अहमद शहजाद हो जी। सेल्फी लेने के मामले में तो वो गर्दिश में नहीं है, लेकिन क्रिकेट की इन आउट में वो ज़रूर गर्दिश में है। आगे आने वाले प्रोग्राम में हम आपको अभी अहमद शहजाद के बारे में भी खबर देंगे। एक छोटी सी खबर यहीं पर, मैं चूंकि पाबंदियों की बात हो रही है, एक और खबर दे दूं क्योंकि हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा। तो बड़ी दिलचस्प खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वार्न किया है 3 प्लेयर्स को कि प्लीज आप स्मोकिंग छोड़ दें, क्विट स्मोकिंग अदरवाइज यू विल बी आउट ऑफ द टीम। ये 3 खिलाड़ी कौन से हैं, शायद मेरा अंदाज़ा किसी हद तक करीब तरीन है, लेकिन आपको हरगिज़ मैं इस प्रोग्राम में नहीं बता सकता क्योंकि अभी वो सिर्फ क्यास अराइयाँ हैं। मालूम है सबको कि वो 3 प्लेयर्स कौन से हैं, लेकिन चूंकि क्यास अराइयाँ हैं, नाम लीक आउट नहीं किया गया, इसलिए एथिकल नहीं है कि किसी भी प्रोग्राम में इन 3 प्लेयर्स का नाम ऑन एयर किया जाए। बहरहाल 3 प्लेयर्स को कहा गया है कि अपनी रविश बदलें और स्मोकिंग मत करें, क्योंकि PCB के कोड ऑफ कंडक्ट में ग्राउंड पर या ग्राउंड से बाहर किसी किस्म की स्मोकिंग करना सख्ती से मना है। कुछ और खबरें आपकी मुंतजर हैं और ODI सीरीज पे ऑफ कोर्स हमने बहुत सी बातें करनी है, लेकिन यहाँ पर ई आवाज़ पे छोटे से ब्रेक का टाइम हुआ है। ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से जोड़ेंगे मैच पॉइंट का सिलसिला। स्ट्रेट ट्यून टू ई आवाज़।